जोहर संगवारी हो, आप सभी के जम्मू स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती लोक सेवा आयोग, साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान वन्य जीव एवं अभ्यारण्य से, यानी कि जो लोग पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खासतौर पर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आज आपका टेस्ट सीरीज के रूप में भी रहेगा, जो आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा और साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, पीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को होने वाला है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और प्री का एग्ज़ाम हो चुका है पुलिस भर्ती में। अगर जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कल से नया बैच प्रारंभ हुआ है। टाइम के बारे में बात करें तो 7:30 से 8:30 बजे के बीच में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाती है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे गए थे, मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वो वीडियो आपने देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, ये आपका 7:30 बजे की क्लास होगी जो कि टेस्ट के रूप में रहेगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस की क्लास कराई जा रही है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट मुख्य बातें बताऊंगा जो कि आपके छत्तीसगढ़ वन्य जीव एवं अभ्यारण्य से पूछे जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल है ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, जो लोग पीएससी और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइए। ये आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहने वाला है आज के टेस्ट के रूप में, रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता छत्तीसगढ़ का भूगोल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ वन्य जीव एवं अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक, देख के जरूर जाइएगा, क्या पता ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम आज वीडियो पर 50 से 100 लाइक आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर, यानी कि परसेंटेज के बारे में बात करें तो 44.21% है। और इसको मैंने अभी YouTube में कमेंट करके बताया था कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वनों का जो क्षेत्रफल है तो ये कुल वनों का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है आपके व्यापम में पूछा गया थे, ठीक है। जो आरक्षित वन है आपका 25,782, यह आपको 43.13%, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो आप बताएंगे 43.13%, ठीक है। अब संरक्षित वन पूछा जाए तो आप बताएंगे संरक्षित वन का 24,036 है, यहाँ पर 40.22%, यानी कि 40.22% है संरक्षित वन के लिए। अगर अवर्गीकृत के लिए पूछा गया, अवर्गीकृत नहीं पूछा गया, ये दोनों ही व्यापम और पीएससी में पूछा गया, ठीक है। तो याद करके रख लीजिएगा, इसका 16.65% है, ठीक है। अब देश में सर्वाधिक आवरण वाले शीर्ष भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए देश में जो सबसे सर्वाधिक आवरण वाला शीर्ष है 3 राज्य, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है। कौन सा स्थान आता रहता है, तीसरा स्थान पर आता है। तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद चौथा है ओडिशा और पाँचवा है महाराष्ट्र। तो देश में सर्वाधिक आवरण वाले पूछा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो कि आपके ये वाला आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन का जो क्षेत्रफल है आधार पर चौथे स्थान है, कौन सा, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। जबकि ये संघ में वनावरण की दिशा तीसरा है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चौथा तीसरा दिया रहता है, लेकिन कई लोग बच्चे क्या कर लगाते हैं, चौथा लगा देते हैं, जबकि वनावरण पूछा जाता है तो तीसरा लगाएंगे कभी भी, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, चौथा स्थान। बहुत लोग बच्चे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं भी एक एग्ज़ाम दिलाया था उसमें मैं कन्फ्यूज था कि इसमें चौथा होगा या तीसरा, है ना। तो मैं इसको डीप पढ़ा, मैं पीएससी की तैयारी भी कर रहा था तो मैं इसका पढ़ा था, अब इसका लिए मैं पढ़ा था, जिसमें
यहाँ पर ये जो चौथा स्थान लिया है वो आपका आधार पर लिया गया है, क्षेत्रफल के, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ जो सही है, ठीक है। एग्ज़ाम में मैं एक बार गया था, उसमें मैं चौथा टिक लगा दिया था, ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से वीडियो को समझिएगा, लास्ट तक देख के ज़रूर जाइएगा, है ना। मेरा जो है 6 वर्षों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 6 वर्षों का जो एक्सपीरियंस, इसमें आप सभी को मैं क्लासेस करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, जो भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन का जो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान पर है, अब देखिए नोट करते जाइएगा ना, ध्यान से समझिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा रिवाइज के तौर पर, पहले ही ये जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वनावरण के आधार पर तीसरा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और देश के कुल वन का 12.26% है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत संघ में छत्तीसगढ़ का जो वनावरण के आधार पर तीसरा स्थान लिया गया है, ठीक है, वनावरण के आधार पर कौन सा स्थान लिया गया है, तीसरा, रोट करिएगा, तीसरा। और छत्तीसगढ़ वन के क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है छत्तीसगढ़ के, देखिए अब ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था व्यापम के एग्ज़ाम में। देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया 18 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। देखिए 18 जिलों के आधार पर पूछा गया है, 27 जिलों के आधार पर भी पूछा जाता है, तो मैं पहले 18 जिलों का बता देता हूँ, ठीक है। तो 18 जिलों के आधार पर सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है आपका सरगुजा जिले में है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को मालूम हो गर्म स्थान कौन सा है, जांजगीर चांपा, यानी कि, ठीक है, तो ये आपका जांजगीर चांपा सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम, जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है जो कि 18 जिलों के आधार पर, ठीक है। अब देखिएगा ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिधवा परिषद पदक महोत्सव 2021, ये आपके पीएससी एग्जाम में आया हुआ था पिछले वर्षों में, ठीक है। तो पक्षी महोत्सव 2021 देखिए चर्चा में है, प्रदेश मध्य भारत का पहला पक्षी महोत्सव कौन सा है, पहला पक्षी महोत्सव कहाँ है, गिधवा परिषद बेमेतरा जिला में। कुछ आया समझ में आपको, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं पर डाउट होगा तो, ठीक है। गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 कब आयोजन किया गया था, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव है आपका कौन सा में आयोजन किया था, 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, ठीक है, ये आपका 31 जनवरी से 2 जनवरी के बीच में। तो ये आपका जो पक्षी महोत्सव है ये आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक किया गया था। इसका थीम क्या है, एग्जाम में पूछता है थीम, ठीक है। तो थीम है आपका हमर चिड़ई हमर चिन्हारी, क्या है हमर चिड़ई और हमर चिन्हारी, कौन सा पक्षी महोत्सव, पहला पक्षी महोत्सव, एग्जाम में आ सकता है ना, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद है ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, सहायक संपरीक्षक एग्जाम में भी आया हुआ था, हाल ही में प्यून भर्ती एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, ये क्या होता है, तो देखिएगा ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है आपका कोरबा जिले में, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया गया है, और ये विशेष यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य, यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन सा है, आप बताएंगे लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि देखिए ये प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ का एलिफेंट रिजर्व है जो कि कम से कम 450 वर्ग किलोमीटर के लिए प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए आप बताएंगे क्यों, तो प्रदेश का यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला हाथी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा तेंदुपत्ता संग्रहण, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पारिश्रमिक दर कितना है, 4000 प्रति मानक बोरा, ठीक है, तेंदुपत्ता का, और मानक लगभग 13 लाख आदिवासी परिवार द्वारा 16,71,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को बताऊँगा कि अब यहाँ से हम देखे हैं तेंदुपत्ता संग्रह ये आपको, और हम कल के वीडियो में देखेंगे पूरा, ठीक है। कल के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, पूरा ये जो आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में 2021-22 से करंट अफेयर में पूछता है, वो आपको कल के वीडियो में आने वाला है, ठीक है। बने रहिएगा, कल के वीडियो देख के जरूर जाइएगा, एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। अब डायरेक्ट चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, एक बार वीडियो को देख के जाइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला बार देख रहे हैं, तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे डेली क्लास के लिए। टाइम की बात करें तो रमेश, देखिए आप बार बार टाइम के बारे में पूछते हैं, तो डेली क्लास करते रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब किए उसको ही नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ अब मैं। टाइम एक बार और बता देता हूँ, 7:30 से 8:30 के बीच जो रिकॉर्डेड क्लास होता है उसको अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पर। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 36 फर्स्ट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। रिवाइज करते जाइए, डायरेक्ट कमेंट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। मैं आपको टोटल 30 एमसीक्यू लेकर आया हूँ टेस्ट के रूप में। ठीक है, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर। ठीक है, आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों यहाँ पर फटाफट। छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया था, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। 30 सेकंड का आपको फिर से समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं। ठीक है, पोलिंग बोर्ड करते हैं कि ऑप्शन ए क्या है, 2004 जून, ऑप्शन बी है जुलाई 2004, ऑप्शन सी है अगस्त 2005, या ऑप्शन डी है सितंबर 2006। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों, लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ के औषधीय पादप बोर्ड का जो गठन हुआ था, आपका आंसर बी होगा जुलाई 2004 में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आप लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें बाकी बच्चे, और कमेंट करें स्टार्ट करें, है ना। कम से कम यहाँ पर कितना है, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, कितने बच्चे, अच्छा बिल्कुल सही है, बिल्कुल कितने, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर भी होगा। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, 300 से 400 के लगभग बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के जो औषधीय पादप बोर्ड का जो गठन हुआ था, आपका जुलाई 2004 में हुआ था। जितने लोगों का आंसर भी आया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है पूछा गया। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में है, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल ए। ठीक है, जितने लोगों का आंसर ए आया है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। कितने 95 लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर, 95। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, कि जैविक भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो भौगोलिक दृष्टि है, छत्तीसगढ़ किस जीव के लिए शामिल किया गया, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर। बिल्कुल राइट आंसर आया है ऑप्शन ए, ढक्कन का जैव क्षेत्र, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर आ रहा है मतलब तैयारी अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, फटाफट कमेंट करें, मैं 30 सेकंड का फिर से समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। आंसर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वनोज पौज है, बिल्कुल सही है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है तेंदुपत्ता। कितने लोगों का आंसर आया, देखिए तेंदुपत्ता, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही आ रहा है। छत्तीसगढ़ के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोज पौज है, आपका तेंदुपत्ता से लिया गया है। और हाल ही में 2021 में आपका कितना लिया है तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा, आप नोट कर लीजिएगा, 4000 प्रति मानक बोरा है। ठीक है, कितना है, 4000 प्रति मानक बोरा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आया है, गुड गुड वेरी गुड, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा फटाफट। चलिए मैं आपको एग्जाम में अभी भी पूछा था कि देखिए हाल ही में, देखिए आपको मैं डिफरेंस बता रहा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बेसिक क्लास करवाया था, अब देखिए इसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी मैं आपको बताया हूँ, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें, अभी मैं आपको बताया हूँ, फटाफट कमेंट करें। ठीक है, वन देखिए ये दृष्टि से कौन सा स्थान है बोला हूँ, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हूँ, ना कि यहाँ पर टोटल पूछ रहा हूँ। ठीक है, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल टोटल नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, दृष्टि से पूछ रहा हूँ राज्य का क्रम में। ठीक है, राज्य का क्रम में कौन सा स्थान, बिल्कुल देखे यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग तीसरा बता रहे हैं, कई लोग चौथा बता रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, सी और डी बिल्कुल आ रहा है, लेकिन देखिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको जस्ट अभी बताया हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, यानी कि राज्य में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में, ना कि टोटल पूछा गया है। कितने बच्चे यहाँ पर देखिए गलत फहमी, यहाँ पर आंसर आ रहा है सी डी आ रहा है, देखिए मतलब परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि फिर से देखिए छत्तीसगढ़ का राज्य के क्रम में पूछा गया है बच्चे, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं आपको क्या बताया था, टोटल बताया था, टोटल में चौथा स्थान लेते हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में तीसरा स्थान लेते हैं। कौन सा राज्य है हमारा, सबसे पहला आपका कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या उड़ीसा, इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ आएगा तीसरा स्थान पर। ठीक है, कितने लोगों का आंसर सी आया है,
जितने लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही होगा, तृतीय स्थान है इसका। आप कमेंट करके बताइएगा फटाक से। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, इसका आंसर फटाक से आ गया, मतलब इसमें बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज थे ये वाला में, और इसका आंसर फटाक से आंसर आ गया। शहद प्रसंस्करण के केंद्र की स्थापना नहीं की गई थी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बच्चे लोगों ने, आंसर डी दिया है बीजापुर, बिल्कुल सही है आंसर इसका आएगा डी, बिल्कुल सही है। ये आप बताइए इसका आंसर तो ऐसे ही इजी आना चाहिए, सबसे सरल क्वेश्चन है। राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, इसका आंसर तो ऐसी चुटकियों में सॉल्व करना चाहिए, है ना। फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चे, यहाँ पर मैं आपको पोलिंग बोर्ड दे रहा हूँ 30 सेकंड का समय। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर या रायपुर, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं जी। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका बिलासपुर, कितने लोगों का आंसर ए आ चुका है, कमेंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर। हाँ बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइएगा साथ में, ठीक है। तो बिलासपुर वन वृत्त किस में आएगा, सबसे बड़ा वन वृत्त है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबसे छोटा, देखिए यहाँ एग्जाम में भी पूछा गया है, देखिए पीएससी एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पीएससी और व्यापम का ही एडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त पूछा गया है तो आप बताएंगे कौन सा, दुर्ग, ठीक है। अगर एक और अगर जांजगीर दिया रहता तो आप जांजगीर चांपा भी लगाते, ठीक है। अगर दुर्ग की जगह जांजगीर चांपा दिया रहता तो आप जांजगीर चांपा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जांजगीर चांपा में बहुत कम वन वृत्त पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फटाक से, इसका आंसर आना चाहिए ना, निराश नहीं होना है। अगर आपका आंसर सही होता है या आपका आंसर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम तैयारी तो कर रहे हैं, टेस्ट दिला रहे हैं, रिवाइज करके जाइएगा, है ना। आपके यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन लेकर आया था, उसके बाद हम देखेंगे। हाँ चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, कितने अभ्यारण्य है, 11, 12, 13 या 14, कितने अभ्यारण्य बताइएगा छत्तीसगढ़ में, कितने अभ्यारण्य, फटाफट कमेंट करने स्टार्ट करें। अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, अरे 12 12 क्यों लगा रहे हो, अभ्यारण्य कितनी आपको नहीं मालूम है क्या, 11 अभ्यारण्य है, उसको सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा है सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है, 105 वर्ग किलोमीटर, कौन सा है, बादलखोल। और सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, सीता नदी, ठीक है। सीता नदी सबसे प्राचीन नदी कौन से जिले में, धमतरी जिले में, ठीक है, धमतरी जिले में स्थित है। कौन सा यहाँ पर राजिम कैसे आ गया यहाँ पर, जो सीता सबसे प्राचीन नदी धमतरी में है, बेवकूफ हो। चलिए इसका आंसर बताइएगा, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, इसका आंसर तो ऐसे ही आना जाना है, इतना सरल क्वेश्चन और एग्जाम में नहीं पूछता, मैं आपको फिर भी लाया हूँ। सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा फटाफट, कमेंट करना स्टार्ट करें ना, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग या जगदलपुर, फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है रायगढ़ जिले में। अरे दुर्ग कैसा आएगा यहाँ पर, मैं आपको रायगढ़ बता रहा हूँ, यहाँ पर दुर्ग आंसर क्यों ले रहे हो, रायगढ़ आएगा आंसर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करें और रिवाइज करते जाइएगा ना, ध्यान से समझिएगा क्या है, ऐसे तुक्का नहीं लगाना यहाँ पर, अगर तुक्का लगाना है तो वीडियो से बाहर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई नहीं करना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। इतना मेहनत करके आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए इसका क्या आएगा, ऐसे बीच बीच में बच्चे मूड खराब कर देते हैं। किस साल वनों का दीप कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ या बस्तर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोरबा, सरगुजा, रायपुर या बस्तर, क्या आएगा साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, इतना सरल क्वेश्चन और कौन कौन पूछेगा, एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के लिए रिवाइज क्वेश्चन के लिए लाया था, किसे साल वनों का दीप कहा जाता है, तो साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, सरगुजा, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर भी आ रहा है, कितने लोगों का आंसर भी आ रहा है, फटाक से कमेंट करें यहाँ पर, अपना नाम बताइएगा कि आप लोग चाहे पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं व्यापम की,
मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पीएससी की तैयारी कर लेते हैं, डिप पढ़ लेते हैं, तो व्यापम ऐसे ही ईजिली निकल जाएगा। चलिए इसका बताइए तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन वृत्त पाए जाते हैं? अभी आप मैं आपको बताया हूँ जस्ट, छत्तीसगढ़ के किस, हाँ बिल्कुल सही। देखिए अब यहाँ पर जांजगीर चांपा लिया गया है, अगर हाँ देखिए जांजगीर चांपा दुर्ग भी लिया गया है, धमतरी भी है, जसपुर भी है, तो सबसे कम वृत्त में पूछा गया हूँ छत्तीसगढ़ में। हाँ अगर आपका दुर्ग दिया है तो दुर्ग तो आपको भिलाई अंतर्गत आता है ना, दुर्ग भिलाई है ना, तो यहाँ पर उसका नहीं लिया जाएगा कि सबसे कम वृत्त, सबसे कम ठीक है, तो आपको होगा जांजगीर चांपा। अगर जांजगीर चांपा नहीं दिया रहता तो आप दुर्ग लेते, ठीक है, जांजगीर चांपा नहीं दिया रहता है तो आप दुर्ग लेते, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए कि ध्यान से समझिएगा। इसका बताइएगा कि भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें कि आएगा भारत के कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। फटाफट देखिए इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, इसका आंसर बी आ रहा है 7.46%, बिल्कुल सही है। चलिए इसका बताइएगा फटाफट से कि राज्य किस वन राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? सगौन, महुआ, सालिया, बांस, क्या आएगा? साल, बिल्कुल सही है साल। यह बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में संपूर्ण में कौन से वन वृत्त पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ के संपूर्ण में कौन से वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं? साल वन, मिश्रित वन या बांस वन? कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है? मिश्रित वन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड है ना, मिश्रित वन ही होगा। सगौन के वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? सगौन, ये जो सगौन है आपका वन वृत्त किस जिले में पाया जाता है, सबसे ज्यादा विस्तृत है? बिल्कुल सही है आंसर आपका, बिल्कुल राजनांदगांव, ठीक है। चलिए ये आपका इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला ये एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम का गठन कब किया गया था? एग्जाम में आया हुआ है 2004 में और 17 में पूछा गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास का निगम का गठन किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है 2001 आ रहा है आंसर, मई आंसर भी, हाँ चलिए एक बार आप पूरा इसको लिख दीजिएगा, मई 2001 लिखिए कमेंट में, मई 2001 लिखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया था? मई 2001 कमेंट में लिखना है, ठीक है, कमेंट में आप लिखिएगा मई 2001 आंसर बी, ऐसा करके लिखो आंसर बी मई 2001। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम हमें 100+ लाइक चाहिए, 100+ लाइक चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्री क्लास लेकर आया था, कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लाइक तो बनता है, ठीक है, बिल्कुल लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत करके आप सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। चलिए सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों का जो प्रमुख कौन है, इसका कमेंट करके बताइएगा, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता ये वाला, इतना सरल से सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या आएगा? तेंदू, साल, सगौन, बांस, क्या? मिश्रित, बिल्कुल सही है बांस होगा। कितने लोगों का आंसर आया है? बांस आंसर डी होगा। चलिए एग्जाम में आता है ना, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। और देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ा नहीं हूँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, इसका आंसर कितने लोग ए दे दिए हैं, देखिए यहाँ पर फटाफट। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? सभी को मालूम है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र नहीं पाया जाता ना, शुष्क पाए। ए भी कैसे आएगा रे भाई, यहाँ पर देखिए 17+ ए आंसर आया है और 30+ डी आंसर आया है, तो किनका मैं सही लूँ बताओ? यहाँ पर आंसर ए आ रहा है, आप लोग डी लगा रहे हो, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए इसका बताइए जो कि एग्जाम में आता है, इंदिरा हरेली सहेली योजना किससे संबंधित? जो हरेली सहेली योजना है आपका, फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष, देखिए आंसर सी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या दंतेवाड़ा? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें ना, पोलिंग बूथ में कर रहा हूँ, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी,
फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। पॉलीवुड से आंसर क्या आएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्र अभी मैं आपको बताया था, सबसे कम में कौन सा है? दुर्ग या जांजगीर चांपा। अगर जांजगीर चांपा दिया तो दुर्ग नहीं लेना है, दुर्ग दिया है तो अब जांजगीर चांपा ऑप्शन में देगा ही नहीं। ठीक है, क्या आएगा? अरे देखिए, सबसे ज्यादा पूछा हूं मैं, कम नहीं पूछा हूं। देखिए 18 जिलों के आधार पर आपका दंतेवाड़ा होगा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ये इसको भी छोड़ दीजिएगा, चलिए वाला देखते हैं। राज्य के किस जिले के साल वृक्ष नेपाल के तराई के साल वृक्षों से सामान्यता रखते हैं? क्या आएगा? बस्तर। बिल्कुल सही है आंसर, सही। और क्या दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कि सगुन प्रदेश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा यह सगुन वर्मा सगुन की श्रेणी का है? ये छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये वाला है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जीवन बीमा योजना की शुरुआत। और कल हम आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 2021-22 का देखेंगे, खनिज से संबंधित है ना, और खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में पूछता है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। हाँ योजनाओं से संबंधित भी कल देखेंगे, पूरा मिक्सिंग क्लास रहेगा, एक घंटे का महाएपिसोड, ठीक है, पूरा मैं आपको कल कराने वाला हूँ वीडियो में, रात को 8:30 बजे योजनाओं से संबंधित प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण और खनिज से संबंधित, ठीक है, और खनन उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कल का कल महाएपिसोड रहने वाला है, ठीक है, रात 8:30 बजे बने रहिएगा वीडियो पर, है ना। क्या आएगा इसका? जीवन ज्योति बीमा योजना। इतना आंसर कोई नहीं पूछता यार, इतना सरल सरल मैं भी आपको मैं करा रहा हूँ, फिर भी आप कमेंट करना स्टार्ट करो। क्या आएगा? 90, 92, 91, 93 कौन सा है? अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में एसआई प्री के एग्ज़ाम कौन कौन दिलाए हैं? एसआई प्री का एग्ज़ाम कौन कौन दिलाए हैं? मैं उस सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जो जिसका कट ऑफ 50 से ऊपर है वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो प्री के एग्ज़ाम दिलाए हैं, कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका 50 से ऊपर है वो एसटीएससी 50 से ऊपर है, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ओबीसी का शायद आपका 60 से 65 के बीच हो सकता है, ठीक है। चलिए वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना क्या आएगा आंसर? कितने लोगों का आया है? 1991 या 90 क्या है? कन्फ्यूजन नहीं होना ना, ये आपका 91 होगा, ठीक है, जो समूह बीमा योजना है 91 में स्टार्ट हुआ था। हाँ इसको छोड़ दीजिएगा ना, ये वाला देखिएगा, इसको भी शायद इसको छोड़ दीजिएगा, ये बताइएगा इसका क्या होगा। राज्य लघु वनोपज यानी व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? सहकारी संघ लघु वनोपज के लिए, हाँ 2000 में, बिल्कुल सही है, वनोपज 2000 में स्टार्ट हुआ था। खैर किसका उपयोग करते हैं? इस खैर तो कत्था बनाने के लिए सर्वाधिक किस जिला में है? आप सभी को मालूम है खैर किसका उपयोग करते हैं? कत्था बनाने के लिए, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ या रायपुर? कमेंट करके बताइएगा ना फटाफट। सरगुजा बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने आंसर सरगुजा दिया है बिल्कुल सही है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है। इसका आप बताइएगा कि राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन कौन से जिले में होता है? लाख, लाख का मतलब समझते हैं ना, गोंद, ठीक है, गोंद। उत्पादन कौन सा है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या सरगुजा? फटाक से कमेंट करें ना यहाँ पर। बिल्कुल सही है बिलासपुर ए, जितने लोगों का आंसर ए आया है बिल्कुल सही होगा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा ना, ये आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साल वन धनकर रहने के अतिरिक्त किस राज्य में मिलते हैं? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन था, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है तो आप लोग बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके लिखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डेली क्लास करने के लिए बने रहिएगा वीडियो पर, ओके। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक्स, बाय बाय।